दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के प्रोसेस को समझाऊंगा, जिसे फॉलो करके आप अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स साइट पर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर आने पर ऑर्डर की डिलीवरी कैसे की जाती है, फ्लिपकार्ट आपसे क्या फीस चार्ज करता है और फ्लिपकार्ट पर सेल करने के क्या बेनिफिट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर सेल करने से जुड़ी हर बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट्स को सेल करने के प्रोसेस को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपके पास जीएसटी नंबर और बैंक में अकाउंट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट का एक्सेस दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पर लॉगिन करके प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होगी। लिस्टिंग करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट का इमेज व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, उसका प्राइस, उसकी डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स की इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। उसके बाद आपकी लिस्टिंग अप्रूवल के लिए चली जाएगी। एक बार फ्लिपकार्ट की कैटलॉग टीम आपकी लिस्टिंग को अप्रूव कर दे, उसके बाद आपकी लिस्टिंग फ्लिपकार्ट साइट पर लाइव हो जाएगी और उसके बाद फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर्ड सभी कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट साइट पर देख पाएंगे। जब भी कोई कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा तो उसे वो फ्लिपकार्ट के थ्रू खरीद लेगा। फ्लिपकार्ट आपको ईमेल के थ्रू नए ऑर्डर्स के बारे में नोटिफाई करेगा। आप खुद भी फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट के ऑर्डर सेक्शन में जाकर ऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑर्डर को फ्लिपकार्ट पैकेजिंग मटेरियल में पैक करना होगा। उसके बाद फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक्स टीम आपके स्टोर से ऑर्डर को पिक कर लेगी और कस्टमर को डिलीवर कर देगी। अब बात कर लेते हैं कि जब आप अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं तो फ्लिपकार्ट आपसे क्या फीस चार्ज करता है। देखिए फ्लिपकार्ट आपसे कुछ भी मंथली या फिर ईयरली फीस चार्ज नहीं करता। जब भी आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर अमाउंट में कुछ अमाउंट कट करके बाकी का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है। जो अमाउंट फ्लिपकार्ट कट करता है वही उसकी फीस होती है। फ्लिपकार्ट आपसे चार अलग अलग तरह की फीस चार्ज करता है। पहली कमीशन फीस, दूसरी फिक्स्ड फीस, तीसरी कलेक्शन फीस और चौथी शिपिंग फीस। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कमीशन फीस की। कमीशन फीस प्रोडक्ट की कैटेगरी पर डिपेंड करती है। अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए अलग अलग कमीशन फीस एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिक्स्ड फीस की। फिक्स्ड फीस ऑर्डर के अमाउंट पर डिपेंड करती है। अगर आपका ऑर्डर अमाउंट 500 रुपीज से कम है तो 5 रुपीज फिक्स्ड फी अप्लाई होगी। अगर आपका ऑर्डर अमाउंट 500 रुपीज से ज्यादा और 1000 रुपीज से कम है तो 15 रुपीज फिक्स्ड फी अप्लाई होगी। अगर आपका ऑर्डर अमाउंट 1000 रुपीज से ज्यादा है तो 30 रुपीज फिक्स्ड फी अप्लाई होगी। नेक्स्ट है कलेक्शन फीस। कलेक्शन फीस आपके ऑर्डर के पेमेंट मेथड के हिसाब से डिपेंड करती है कि जो आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है वो प्रीपेड है या फिर पोस्टपेड। अगर आपका ऑर्डर अमाउंट 750 रुपीज से कम है तो प्रीपेड के केस में 2% ऑफ ऑर्डर अमाउंट और पोस्टपेड के केस में 15 रुपीज कलेक्शन फीस चार्ज होती है। लेकिन अगर आपका ऑर्डर अमाउंट 750 रुपीज से ज्यादा है तो प्रीपेड के केस में 2% ऑफ ऑर्डर अमाउंट और पोस्टपेड के केस में भी 2% ऑफ ऑर्डर अमाउंट एज कलेक्शन फीस चार्ज होती है। नेक्स्ट है शिपिंग फीस। शिपिंग फीस पैक प्रोडक्ट के वेट और कस्टमर की डिलीवरी लोकेशन पर डिपेंड करती है। अगर कस्टमर की डिलीवरी लोकेशन आप ही के सिटी में है तो उसे लोकल डिलीवरी कहते हैं। अगर कस्टमर की डिलीवरी लोकेशन आप ही के जोन में है तो उसे जोनल डिलीवरी कहते हैं। और अगर कस्टमर की डिलीवरी लोकेशन आपके जोन में नहीं है बल्कि किसी दूसरे जोन में है तो उसे नेशनल डिलीवरी कहते हैं। यहाँ जोन से मेरा मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ से है। अब अगर आपके पैक्ड प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम से कम है तो 30 रुपीज लोकल डिलीवरी में, 46 रुपीज जोनल डिलीवरी में और 66 रुपीज नेशनल डिलीवरी में चार्ज होते हैं। अगर आपका पैक प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम से ज्यादा और 1 केजी से कम है तो 500 ग्राम तक का शिपिंग चार्ज तो अप्लाई होगा ही। उसके अलावा 18 रुपीज लोकल डिलीवरी में, 23 रुपीज जोनल डिलीवरी में और 27 रुपीज नेशनल डिलीवरी में चार्ज होता है। अब अगर आपके पैक प्रोडक्ट का वेट 1 केजी से ज्यादा और 3 केजी से कम है तो 1 केजी तक का शिपिंग चार्ज तो अप्लाई होगा ही। उसके अलावा हर 500 ग्राम के लिए 8 रुपीज लोकल डिलीवरी में, 10 रुपीज जोनल डिलीवरी में और 15 रुपीज नेशनल डिलीवरी में चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी आपको फ्लिपकार्ट की अलग अलग फीस समझाई है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं फ्लिपकार्ट पर शर्ट सेल करता हूँ तो और मेरे किसी पर्टिकुलर शर्ट का प्राइस 2000 रुपीज है। अब जब भी कभी कोई कस्टमर मेरी शर्ट को परचेज करेगा तो मुझे ऑर्डर रिसीव होगा तो मैं उस ऑर्डर को पैक कर दूंगा और फ्लिपकार्ट की ई कार्ट टीम मेरे स्टोर से पिक करके कस्टमर को वो शर्ट डिलीवर कर देगी।
फ्लिपकार्ट को 2000 रुपीज कस्टमर से रिसीव हो जाएंगे और फ्लिपकार्ट उसमें अपनी फीस कट करके बाकी का अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में दे देगा। तो जो अमाउंट फ्लिपकार्ट मुझे बैंक अकाउंट में देगा और जो फीस कट करेगा, अब हम उसे मैनुअली एनालिसिस कर लेते हैं। क्योंकि मेरे शर्ट का प्राइस 2000 रुपीज है और इस कैटेगरी पर 16% कमीशन फीस अप्लाई होती है, इसलिए 16% ऑफ 2000 इक्वल्स टू 320, तो 320 कमीशन फीस इस पे अप्लाई होगी। क्योंकि ऑर्डर अमाउंट 2000 रुपीज है और 1000 रुपीज से ज्यादा है, इसलिए फिक्स क्लोजिंग फी 30 रुपीज अप्लाई होगी। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ऑर्डर प्रीपेड है, इसलिए 2% ऑफ 2000 जो कि इक्वल टू है 40 रुपीज इसमें कलेक्शन फीस अप्लाई होगी। और मैं ये भी अज्यूम कर लेता हूँ कि पैक शर्ट का वेट 800 ग्राम है और जो ऑर्डर है वो मेरे ही जोन से आया है, तो इसमें शिपिंग फीस 46 रुपीज पहले 500 ग्राम के लिए और 23 रुपीज नेक्स्ट 300 ग्राम के लिए चार्ज होंगे, इसलिए टोटल शिपिंग फीस 69 रुपीज एप्लीकेबल होगी। अगर हम सबको टोटल कर लेते हैं जो कि 320 रुपीज 30 प्लस 40 प्लस 69 जो कि 459 के इक्वल होता है, इस पे 18% जीएसटी एडिशनल होती है, तो इसका 459 प्लस 18% ऑफ जीएसटी अगर हम करते हैं तो 541.62 रुपीज के इक्वल इनकी टोटल फीस बनती है। तो फ्लिपकार्ट हमें 2000 में से 541.62 रुपीज कट कर लेगा और 1458.38 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में दे देगा। और मैं मान लेता हूं कि मेरे शर्ट का परचेज प्राइस 1200 रुपीज है, तो मुझे जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 258.38 रुपीज का होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया है और उसमें जो फीस स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम फ्लिपकार्ट पर सेलिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट हमें उन ऑर्डर्स का पेमेंट देता है, तो हमें समझ में नहीं आ पाता कि जो हमें फ्लिपकार्ट पेमेंट दे रहा है वो किस हिसाब से दे रहा है, इसलिए हमें फीस स्ट्रक्चर का समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट पर सेल करने के क्या फायदे हैं। फ्लिपकार्ट पर सेल करके आप अपने प्रोडक्ट्स को उन करोड़ों कस्टमर को सेल कर सकते हो जो फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर्ड है और आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। फ्लिपकार्ट पर सेल करने का दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है और ऑर्डर आने पर उसे पैक करना होता है, बाकी डिलीवरी का पूरा काम फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक्स टीम ईकार्ट देखती है। तीसरा बेनिफिट ये है कि फ्लिपकार्ट पर सेल करने के लिए आपको सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, एक तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और दूसरा कैंसिल चेक आपके बैंक अकाउंट का। नेक्स्ट बेनिफिट फ्लिपकार्ट पर सेल करने का ये है कि इसमें आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीज करके फ्लिपकार्ट सर्च के पेज नंबर 1 पर भी ला सकते हैं, जिससे सेल ज्यादा आती है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि अगर आपको फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट में कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, चाहे वो लिस्टिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑर्डर से रिलेटेड हो या फिर पेमेंट से रिलेटेड हो, आप फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट में कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं तो ये बेनिफिट्स ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने फ्लिपकार्ट से जुड़ी सभी पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट में डाउट है तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा जो भी फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेलिंग करने की सोच रहे हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। अभी के लिए मैं चलता हूँ, थैंक यू।